तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उसे आप अपने जो कि SD कार्ड है, मेमोरी है, उसमें सेव कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा उसे गूगल ड्राइव में किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, और आपका जो कि जीमेल आईडी में जितने भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट हैं कैसे देख सकते हैं, और यदि जो भी कॉन्टेक्ट यहाँ पर जीमेल आईडी में सेट नहीं है तो किस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका फोन फॉर्मेट हो जाता है तो किस तरह से आप अपने जितने भी फोन के कॉन्टेक्ट हैं उसे रिकवर कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में लोग जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या मेथड है, किस तरह से हम लोग यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर जो कि कांटेक्ट ऐप होता है उसको ओपन कर लेना होगा, और यह सभी फोन्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसे ओपन करने के बाद इसके सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से आपको यहाँ पर दो तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, एक इम्पोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट। तो सिंपली एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सभी कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो ऑल कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा ईमेल आईडी भी दिख जाएगी, किस किस ईमेल आईडी से कितने नंबर लिंक है, तो वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं किस तरह से एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली ऑल कॉन्टेक्ट पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा नाम सेव। तो जितने भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट हैं किस नाम से आप यहाँ पर सेव करना चाहते हैं अपने एसडी कार्ड में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डाल देना होगा। तो नाम डालने के बाद सिंपली एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना होगा। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि वो आपसे लोकेशन पूछेगा, किस फाइल में किस ड्राइव में आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो सिंपली आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि इस फाइल में हमको यहाँ पर ये सभी कॉन्टेक्ट चाहिए, तो सिंपली उसमें सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके जिस फाइल में आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन करके जाइए, वहां पर आपको यह सभी कॉन्टेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह कॉन्टेक्ट एक एक करके नहीं देखने के लिए मिलेगा, सभी एक साथ होंगे, और इसको जब कभी भी किसी भी फोन में यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तभी दिखेगा। और इसके अलावा यदि मान लीजिए इस फाइल को इसको गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करना होगा। शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहां से अपलोड कर सकते हैं। बिना अपलोड किए हुए दूसरे फोन में अपने सभी कॉन्टेक्ट को वन क्लिक में शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से ब्लूटूथ शेयर मेथड से आप किसी दूसरे फोन में यहाँ पर सभी को शेयर कर लीजिए। उस पर जैसे क्लिक करेंगे इंपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो इंपोर्ट आप अपने कॉन्टेक्ट फोन में कर लीजिए, तो सभी नंबर एक साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका जितना भी नंबर है ईमेल आईडी से लिंक हो जाए, तो सिंपली आपको फोन के सेटिंग में चले जाना होगा। फोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अकाउंट, तो अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको गूगल देखने के लिए मिल जाएगा, तो गूगल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी ईमेल आईडी दिख जाएंगे कि जितने भी आपके फोन में लॉग इन है। तो जिस भी ईमेल आईडी से आप लिंक करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि सिंक और डाटा सिंक्रोनाइज, और इसके अलावा कैलेंडर। तो आपको यहाँ पर जो कि कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट को एक बार सिंक करना, सिंक करने के बाद जितने भी यहाँ पर न्यू कॉन्टेक्ट आपने यहाँ पर सेव किया है वह सभी ऑटोमेटिक आपके जो कि ईमेल आईडी है उसमें लिंक हो जाएंगे। तो यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कितना कॉन्टेक्ट आपके ईमेल आईडी से लिंक है, तो लिंक चेक करने के लिए सिंपली इसके नीचे ही ऑप्शन देखने के लिए जाएगा गूगल। तो जैसे ही गूगल पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा रिस्टोर कॉन्टेक्ट। तो रिस्टोर कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी नंबर आपके ईमेल आईडी से लिंक है वो शो हो जाएंगे, और यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। यदि आपका फोन फॉर्मेट भी हो जाता है, यही ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए, यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिसेट कर लीजिए, लेकिन सेम ईमेल आईडी से यदि लॉग इन करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जितने भी कॉन्टेक्ट आपके डिलीट हुए हैं या फिर फोन चोरी हो गया, फिर गुम हो गया, फिर टूट गया, तो उस फोन से भी आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो और इसके अलावा बहुत लोगों का सवाल होता है कितना नंबर इसे लिंक कर सकते हैं, तो इसे आप अनलिमिटेड नंबर लिंक कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उसे अपने फोन में या फिर एसडी कार्ड में या फिर गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है, किस तरह से यदि मान लीजिए आपका फोन गुम हो जाता है, टूट जाता है, तब भी आप रिकवर कर सकते हैं यदि सेम ईमेल आईडी डालते हैं तब। यदि मान लीजिए आपको रिकवरी प्रोसेस देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं कि कॉल हिस्ट्री किसी भी नंबर का किस तरह से निकाला जाता है जो कि लीगल प्रोसेस है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।